सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म भारत का ट्रेलर आज फाइनली रिलीज हो गया है और इस फिल्म के ट्रेलर में कैटरीना कैफ, दिशा पटानी, तब्बू, सुनील ग्रोवर लीड रोल में नजर आ रहे हैं। ये फिल्म 5 जून को भारतीय सिनेमा घरों में रिलीज कर दी जाएगी। दरअसल अली अब्बास जफर के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म कोरियन मूवी ओड टू माई फादर का हिंदी रीमेक है और फिल्म के पोस्टर्स और टीजर ने तो पहले ही फिल्म को लेकर लोगों में अच्छी खासी एक्साइटमेंट बना रखी थी, लेकिन इस ट्रेलर को भी अब काफी पसंद किया जा रहा है। 3 मिनट 11 सेकंड के इस ट्रेलर की शुरुआत होती है देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के डायलॉग से, जो कि ट्रेलर को एक दमदार आगाज दे रही है। और भारत का ये ट्रेलर पूरी तरह से पावर पैक्ड और एंगेजिंग है। पूरे ट्रेलर में बस और बस सलमान ही छाए हुए हैं और ट्रेलर में सलमान खान के अलावा कैटरीना कैफ, दिशा पटानी, सुनील ग्रोवर और जैकी श्रॉफ की भी झलक देखने को मिली है और साथ ही इसमें सलमान खान और कैटरीना कैफ की रोमांटिक केमिस्ट्री को भी दिखाया गया है। फिल्म में सलमान खान भारत का रोल अदा कर रहे हैं जिसकी पूरी जिंदगी रंगीन रही है और मूवी में भारत की जिंदगी के 71 साल के लंबे से सफर को दिखाया गया है और आपको साथ ही सलमान खान और कैटरीना कैफ के बीच जो सीन्स हैं, वो जो फिल्माए गए हैं, वो आपको काफी दमदार नजर आएंगे क्योंकि कैटरीना का लुक एज यूजुअल काफी इम्प्रेसिव है। इस ट्रेलर में कैटरीना, सुनील ग्रोवर और दिशा पटानी को अच्छा खासा स्पेस दिया गया है और बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर बात करें तो बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफी दमदार है। ट्रेलर में सलमान खान के अलग अलग लुक्स देखने को मिले हैं और भारत में दर्शकों के लिए इंटरटेनमेंट के हर एक डोज का अच्छा खासा इंतजाम किया गया है। तो कह सकते हैं कि सलमान खान की ये फिल्म भी उनकी बाकी मसाला फिल्मों की तरह है, जिसमें पूरा का पूरा एक्शन, रोमांस, रोमांच, देश प्रेम, कॉमेडी का सबका फ्लेवर और तड़का मौजूद है। तो ये ट्रेलर तो मस्ट वॉच है। 23 न्यूज से रक्षा की रिपोर्ट।